हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल साइकोटेक स्कोर हंड्रेड परसेंट दोस्तों आप सब ने जरूर सुना होगा हैपोथीसिस और हैपोथीसिस टेस्टिंग के बारे में हैपोथीसिस टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैटिस्टिक्स में जिसमें अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करके ये चेक किया जाता है कि जो नल हैपोथीसिस है उसे रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है जिन स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करके हम हैपोथीसिस टेस्टिंग करते हैं वो या तो पैरामीट्रिक टेस्ट हो सकते हैं या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो सकते हैं तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और कौन से स्टेटिस्टिकल टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं और कौन से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमारे पास पहले से ही जानकारी या इन्फॉर्मेशन होती है और साथ ही पैरामेट्रिक टेस्ट में हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ड्रॉ किया जाता है सैंपल से उसके पैरामीटर्स के बारे में हम कुछ एजम्शन बनाते हैं और अक्सर जो एजें्पन इसमें हम बनाते हैं वो यह होता है कि जो पॉपुलेशन डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पैरामीट्रिक टेस्ट में जो डेटा होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से और साथ ही ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट में इन डेटा को हम एब्सोल्यूट नंबर या वैल्यूज में एक्सप्रेस करते हैं और इन डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए रैंक का यूज नहीं करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट कह सकते हैं इसको या साथ में इंफ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स मैथड कह सकते हैं ये मैथमेटिकल प्रोसीजर्स होते हैं स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जिसमें हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई एजेंशन नहीं बनाते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में सैम्पल साइज स्मॉल होते हैं और इसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है चलिए अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट को कंपेयर करते हैं इसमें अलग अलग बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे हम फर्स्ट बेसिस ऑफ कंपैरिजन है एजम्सन्स तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कोई एजम्पन्स नहीं बनाते हैं बट पैरामेट्रिक टेस्ट में एजम्पसंस बनाते हैं नेक्स्ट है सैम्पल साइज जनरली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में सैम्पल साइज थर्टी से कम होते हैं बट वहीं पैराेट्रिक टेस्ट में थर्टी से ज़्यादा होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियस इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रीवियस इन्फॉर्मेशन की या कि हम कह सकते हैं कि प्रीवियस इन्फॉर्मेशन अननोन होती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में बट पैरामेट्रिक टेस्ट में रिक्वायरमेंट होती है प्रीवियस इन्फॉर्मेशन की या कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन इज़ नोन नेक्स्ट पॉइंट है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है तो वहीं पैरामेट्रिक टेस्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं वेरिएबल्स uh, और एटरीब्यूट के लिए और साथ ही नामिनल और ऑर्डिनल स्केल डेटा के लिए बट पैरामेट्रिक टेस्ट को सिर्फ वेरिएबल्स के लिए यूज़ किया जाता है और नॉमिनल स्केल डेटा के लिए सूटेबल नहीं होता पैराेट्रिक टेस्ट अगर हम ये बात करें कि दोनों में से पावरफुल कौन सा तरीका है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो कम पावरफुल होते हैं बट पैराेट्रिक टेस्ट ज़्यादा पावरफुल होते हैं लास्ट पॉइंट है सेंट्रल टेंडेंसी तो नॉन पैराेट्रिक टेस्ट में हम मीडियन का यूज करके सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं बट वहीं पैरामेट्रिक टेस्ट में हम मीन का यूज करके सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम जहाँ पे यूज करते हैं विलकोक्सन रैंक सम टेस्ट वहीं पर पैराेट्रिक टेस्ट के लिए पेयर टी टेस्ट का यूज होता है दो ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए नॉन पैरामेट्रिक में हम मैन विटनी यू टेस्ट करते हैं बट पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट करते बीच में कंपैरिजन करना हो तो नॉन पैरामेट्रिक में हमारे पास होता है क्रुस्कल वालिस टेस्ट और पैरामेट्रिक में होता है टेस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं नॉन पैराट्रिक टेस्ट क्या होते हैं दोनों का कंपेरिजन किया हमने और साथ ही यह भी जाना दोनों टाइप में यानी कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट का यूज होते हैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये जो टेस्ट बताए हैं उन टेस्ट को एक एक करके बताऊंगा और साथ में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व करना बताऊंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर